ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको इस वीडियो में वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी कि वरुतिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। एक बार प्रेम पूर्वक बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एक बार भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर बैठकर एकादशी महात्म्य और उनकी कथाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। तब युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने मुझे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक से बताया है। हे भगवान, अब आप मुझे वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इसका क्या नाम है, इसकी क्या कथा है और इसका क्या महत्व है? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। इस एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली और सब प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और इस एकादशी के व्रत से अंत में मोक्ष मिलता है। यदि वरुथिनी एकादशी को कोई अभागन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इस वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा माधान्ता स्वर्ग को गए। हे राजन, 10,000 वर्षों तक जितनी तपस्या करने से फल मिलता है, उतना ही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर एक मण स्वर्णदान से जो भी फल मिलता है, वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत एक बार करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सभी सुख भोगकर अंत में परलोक को जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से अधिक श्रेष्ठकर है। वही हाथी के दान से अधिक श्रेष्ठ भूमि का दान है और भूमि के दान से तिलों का दान अधिक श्रेष्ठकर है और तिलों के दान से अधिक श्रेष्ठ स्वर्ण का दान है और स्वर्ण के दान से अन्न का दान अत्यधिक श्रेष्ठ है। अन्न के दान के बराबर और कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों ही तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्नदान को कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों ही के जितना पुण्य मिलता है। हे युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन ग्रहण करते हैं, वे मनुष्य प्रलय काल तक नरक में रहते हैं या फिर उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो भी मनुष्य प्रेम सहित और धन के सहित अपनी कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। उन मनुष्यों को कन्यादान का अतुलनीय फल मिलता है। हे राजन, जो भी मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। वे इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1,000 गायों के दान जितना फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अत्यधिक है। हे युधिष्ठिर, अब तुम इसकी व्रत कथा सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर माधान्ता नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा माधान्ता अत्यधिक ही दानशील और धार्मिक था। वह राजा बहुत बड़ा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था तो उसकी तपस्या के दौरान ही वहां पर एक जंगली भालू आया और वह जंगली भालू राजा के पास आया और राजा के पैर को चबाने लग गया। राजा फिर भी पूर्व की तरह ही अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के ही जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तपस्या के धर्म के अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा नहीं करके भगवान विष्णु से स्वयं की रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब करुण भाव से उसने भगवान विष्णु को पुकारा और भक्त की पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा माधान्ता के प्राणों की रक्षा करने के लिए भालू को अपने सुदर्शन चक्र से मार डाला। भालू राजा का पैर पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही अधिक शोकाकुल हुए। राजा को दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, तुम शोक मत करो। तुम ऐसा करो, मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रख के मेरे वराह अवतार की मूर्ति की पूजा करो।
उसके प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले और उत्तम हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें इस प्रकार से काटा है, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है। तब भगवान श्री हरि की आज्ञा मानकर राजा माधान्ता ने वैसा ही किया। राजा माधान्ता मथुरा गए और वहां पर जाकर उसने श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इस एकादशी के प्रभाव से राजा माधान्ता राज्य के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को गया। इसीलिए जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रख के भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपनी कृपा अवश्य ही रखते हैं। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोले एकादशी माता की जय। अब आप सुनिए राजा धर्म कीर्ति की एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली कथा। गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया था। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा है। तब भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से यह व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे, तब तक आपको अपना पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले ही यह सारी स्मृति खत्म हो जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वह पालन किया करता था। फिर भद्रशील गालव मुनि से बताता है कि मैं पिछले जन्म में धर्मकीर्ति नाम का राजा था। धर्मकीर्ति बहुत ही क्रूर था, उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो धर्मकीर्ति ने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी कोई इस हिरण को भागने देगा, उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा कि बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया और सूर्यास्त होते होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। उसको हिरण कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर से कुछ भी नहीं खाया था और जंगल में उसको चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वह रात भर सो नहीं सका। राजा ने डर से श्रीहरि परमात्मा से प्रार्थना शुरू कर दी। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत आए और उसको लेकर यमराज के पास गए। तब यमराज ने पूछा कि तुम लोग इसको यहाँ पर क्यों लाए हो। इनका स्थान वैकुंठ में है, भगवान श्री विष्णु की बगल में है। तब यमदूत बोले, लेकिन राजन, यह तो महापापी है। तब यमराज बोले, नहीं, वह सब पाप एकादशी की वजह से मिट गया है। अब ये पवित्र है। इसकी जिस दिन मृत्यु हुई थी, वह दिन एकादशी का दिन था। इसने दिन भर उपवास किया था और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया था। इस वजह से इसके सारे पाप दूर हो गए हैं, यह पवित्र हो गया है। फिर यमराज ने स्वयं ही एक स्वर्ण रथ को बुलाया और राजा को वैकुंठ में भेज दिया। इस तरह से भद्रशील ने अपने पिछले जन्म की कथा गालव मुनि को सुनाई और गालव मुनि ने पृथ्वी पर सब लोगों को इस व्रत के बारे में बताया। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले एकादशी माता की जय। अब आप सुनिए एक राजा और उसकी बेटियों की कहानी। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमानी और बलशाली था। राजा हमेशा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की दो बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले में थोड़ी सी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे। उसकी बहुत ही प्रशंसा किया करते, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ही विनम्र था और वह सबका आदर सत्कार करती थी।
राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, क्योंकि उसका स्वभाव बड़ी बेटी की तुलना में बहुत अच्छा था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत ही नफरत होने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उसे पहली नजर का प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत अधिक क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया। फिर राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का सोचा। राजा की बड़ी बेटी ने छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को एकादशी माता की कृपा से कुछ नहीं हुआ। यह देखकर बड़ी बहन बहुत ही अचंभित हुई, लेकिन उसकी बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब वह एक दिन एक मटकी में सांप लेकर आई और उसे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का एकादशी माता की कृपा से कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भर कर लाते हैं। अपनी बड़ी बहन की ऐसी बात सुनकर छोटी बहन पानी भर कर लाने के लिए तैयार हो गई। बड़ी बहन जब छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास लेकर आई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को एकादशी माता की कृपा से तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने सभी प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह और अधिक क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछ लिया कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है और तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी, क्या तुम यह जानती हो? तब छोटी बहन बोली कि हाँ, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी कि तुम मुझे बताओ तुम्हारी मृत्यु का राज क्या है। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा, तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को वह अपने गले से उतार देगा, मैं वापस ही जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया और वहीं छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटा कर छोड़ दीजिए। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत ही अचंभित हुआ। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए भी नहीं रुका है, कब और क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है, लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने के लिए मजबूर किया और राजा से वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात को स्वीकार कर लिया और 2-3 दिन बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है और तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में पहन लेती है।
जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में पहनती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब ठीक से चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है, यह मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने फिर अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और राजा वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने को तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार उसे पहचान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि बड़ी बेटी है और राजकुमार ने शादी करने से मना कर दिया। तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से उसका विवाह संपन्न करा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से न तो बात करता था और न ही उसे पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था और राजकुमार ने यह फैसला लिया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर ही रहेगा और यह जानकर ही रहेगा कि उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार अत्यधिक प्रसन्न हुआ और आश्चर्यचकित भी हुआ। वह तुरंत ही अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ घर पर चलो। तब राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात में उतार देती है। जब तक वह हार को पहन लेती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास से जो हार वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह सब सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने लगा और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उसके साथ वहीं पर ले लिए। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। जिसके बाद उसने 11 माता का आह्वान किया। 11 माता वहां पर प्रकट हुई और 11 माता ने अपनी भक्तिन का दर्द दूर किया और उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। फिर वहीं पर अचानक से राजकुमार आ गया। राजकुमार ने जब 11 माता को देखा तो वह अचंभित रह गया और उसने तुरंत ही माता को प्रणाम किया और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार इसको लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते समय व्यतीत हुआ और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर राजकुमार वहां से चला गया। जब वह राजकुमार बाहर निकला तो बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और जाकर बड़ी बहन को सारी बात बता दी। उसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लिया और उसको मरवा दिया। राजा की छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा दिए।
टुकड़ा चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा उस बड़ी बेटी ने अपने पलंग के नीचे रखवा लिया। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास जाती है और उससे भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को लेकर आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है और उसके पुत्र को लेकर वहां से चली जाती है। फिर राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी बहन के पास आता है और उससे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तब मैं तुमसे अच्छे से बात करूंगा। एक दिन वह राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि तुम अपनी माँ का गले का हार रानी से मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का उससे कहता है कि मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहना है। यह सुनकर बड़ी बहन बहुत ही क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा है अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह उस हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत ही हार ले जाकर अपने पिताजी को देता है। तब राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और बड़ी बहन से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उससे बड़ी बहन की सारी करतूतें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होता है और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगता है। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देता है और फिर राजकुमार अपने पुत्र और छोटी बेटी के साथ सुखपूर्वक रहने लग जाता है। इस तरह से एकादशी माता की कृपा से उसका परिवार बहुत ही खुशहाल और सुखपूर्वक रहता है। बोलिए माँ एकादशी की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। उम्मीद है आपको आज की कथाएं पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें।